हेलो गाइज, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स और न्यूमेरिकल्स केते टाइप रो न्यूमेरिकल हो पारे, कौन कौन वेरिएशंस करा जाए पारे, आउ को टाइप रो क्वेश्चंस को केमती सॉल्व करा जाए, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर। ओके, तो जदि दरकार पड़े आई थिंक ए भलिया आउरी गोटे दुईटा छोट छोट सेशन नवा जहाँ भितर विल बी डिस्कसिंग एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। ओके, एंड वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व गोटे जिनस मु एकदम क्रिस्टल क्लीयरली कहीदेवाई चाहूँगी कि काइनेटिक्स रो न्यूमेरिकल्स करिया पूर्व या भितर जिते कि थियोरेटिकल कन्सेप्ट अच्छी जमीक ऑर्डर क्या कह जाए, ऑर्डर रो फिजिकल सिग्निफिकेंस कौन, मॉलिक्युलरिटी क्या कह जाए, मॉलिक्युलरिटी रो एक्जाक्टली मीनिंग कौन, एंड रेट लॉ केमती लिखा जाए, ये सब थियोरेटिकल कन्सेप्ट गुड़ा जनाथ्वा दरकार, देन ओनली वी कैन अप्रोच द न्यूमेरिकल्स। एंड जदि तुम्हें चाहूँ कि ये थियोरेटिकल कन्सेप्ट गोटे वीडियो देवाई कि देन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट डाउन देन सो दैट नेक्स्ट वीडियो जोड़ा आसो मुझे यार थियोरेटिकल कन्सेप्ट देवी, राइट। ओके, तो स्टार्ट करिया पूर्व काइनेटिक्स रो किटा बेसिक जिनस मुझे जहाँ को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करवा, दैट इज रेट लॉ कौन एंड केमती लिखा जाए। सी, सपोज वी हैव ए जनरल रिएक्शन लाइक दिस, ए ए प्लस बी बी गिविंग राइज टू सी सी प्लस डी डी, राइट। सो दिस इज ए जनरल रिएक्शन वेयर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी कौन रिएक्टेंट्स, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी कौन प्रोडक्ट्स, एंड द स्मॉल ए बी सी डी आर दे आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो स्मॉल ए बी सी डी गुड़ा कौन बैलेंस्ड इक्वेशन रे स्मॉल ए होची ए रो कोफिशिएंट, बी होची बी रो कोफिशिएंट, सी होची सी रो कोफिशिएंट, एंड डी होची डी रो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट। एंड ए इक्वेशन पाई कि ए रिएक्शन पाई कि द रेट लॉ इज गिवन बाय रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट इनटू द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स ए इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, एंड ए जो कॉन्सेंट्रेशन गुड़ा रहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दे आर रेज्ड टू सम पावर, ए रो किछि पावर थिबो बी रो भी किछि पावर थिबो, केते से पावर दिस ए इज रेज्ड टू पावर एक्स एंड बी इज रेज्ड टू सम पावर वाई, राइट। तो मुझे देखिए मे भी लगुव कि ए रो पावर ए हेबा कथा एंड बी रो पावर ए स्मॉल बी हेबा कथा, बट नो ए एक्स एंड वाई कौन दीज आर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज, अर्थात ये जो एक्स एंड वाई वैल्यू ए बी सहित इक्वल हो भी पारे न भी हो पारे, अर्थात एक्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू दिस ए एंड वाई वैल्यू जो रहा एटा बी सहित इक्वल हो भी पारे न भी हो पारे। एबे एक्जाक्टली एक्स वाई वैल्यू केते दैट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एंड ताको थियोरेटिकली इक्वेशन देखिकरी वी कैन नॉट predict, right? So this is the rate law, and likha jaye kemti to rate is given by rate constant into the concentration of the reactants raised to some power jo power ki tara stoichiometric coefficients hota equal he bhi pare no bhi he pare and exactly seta kete hobo that is experimentally determined. And one more thing, ए रिएक्शन पाई कि जदि यार ऑर्डर आम बाहर करने ट्राए करवा, दिस ऑर्डर इज गिवन बाय ए जो पावर गुड़ा देखा जाऊनि कि ऑर्डर इज गिवन बाय एक्स प्लस वाई, राइट। दैट मीन्स सो गोटे रिएक्शन न ऑर्डर कहले कौन इट इज द सम ऑफ कहार सम द पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स कोठी इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट। एंड इम्पोर्टेंट जिनस हूँ कौन ऑर्डर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दिस एक्स एंड दिस वाई, एक्स प्लस वाई विल गिव द ऑर्डर, एंड ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी नुहे, ए प्लस बी नुहे, ऑर्डर इज इक्वल टू दिस एक्स प्लस वाई मैंने सम ऑफ द पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ए ऑर्डर वैल्यू कौटू बाहर
रेट लॉ एक्सप्रेशन नो नॉट फ्रॉम दिस बैलेंस्ड इक्वेशन नुहे राइट एंड ऑब्वियसली जेहेतु एक्स आउ वाई रो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करा जाए तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन भी कौन दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी आम थ्योरेटिकली इक्वेशन देखिकार कि गोटे ऑर्डर तार ऑर्डर के राइट ओके तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर वन ओके तो क्वेश्चन टा स्क्रीन ऊपर देखि पार थबो पॉज करके वीडियो को पढ़ी नहीं पार क्वेश्चन ओके तो क्वेश्चन में कौन कहा है जी देयर इज अ रिएक्शन आर चेंजेस इनटू प्रोडक्ट पी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम 0.03 m इनटू 0.02 m इन 25 मिनट्स ताले फाइंड आउट द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट मींस कहा है जी कौन सी सो तो गिवन एटी डाटा कौन गिवेन अच्छे जो रिएक्टेंट थिला तार इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर नॉट और आर जीरो दैट इज इक्वल टू 0.03 m एंड जितेबले रिएक्शन चलथुओ ऑब्वियसली द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी डिक्रीजिंग रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन डिक्रीज होथुओ डिक्रीज ही की जो फाइनल कंसंट्रेशन तार आसिला दैट इज 0.02 m राइट एंड ए 0.03 रु 0.02 हेबा पाई की ए डिक्रीज हेबा पाई की जति के टाइम लागिला टाइम टेकन इज गिवन दैट इज 25 मिनट्स और आमे देखो सेकंड रे कन्वर्ट कर दबा दैट इज 25 इनटू 60 दैट इज 1500 सेकंड्स राइट ओके तो पचरा है कौन कि फाइंड आउट द रेट ऑफ द रिएक्शन राइट ओके तो जमीक आमको फॉर्मूला भल भाव जना अच्छे कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन बाय चेंज इन रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम और टाइम टेकन एंड या सामने कौन थाए गोटे माइनस साइन थाए जेहेतु रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग राइट सो दैट इज रेट इज इक्वल टू माइनस डेल आर अपॉन डेल टी राइट अच्छा तो ये जो डेल आर पुणी केमती बाहर डेल आर केमती बाहर दैट इज चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन केते चेंज हो छी केते चेंज हो छी के तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज जीरो डेल आर इज इक्वल टू दैट इज 0.02 माइनस 0.03 दैट कम्स आउट टू बी माइनस 0.01 राइट तो ए वैल्यू जदि नहीं कि इट रखी दबा तो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ने चेंज केते हि 0.01 सो दैट इज माइनस 0.01 कारण दिस इज ऑलरेडी माइनस आउ डेल आर रो वैल्यू पाइले माइनस इति की दैट इज डिवाइडेड बाय 1500 डेल टी अर्थात टाइम टेकन सो दैट कम्स आउट टू बी ए दिटा नेगेटिव मिसिक ही जो पॉजिटिव दैट इज 0.01 डिवाइडेड बाय 1500 राइट एंड याको जदि टिके कैलकुलेट करबो इट कम्स आउट टू बी एक्चुअली मो आगरो कैलकुलेट कर ही रखी छी तो इट कम्स आउट टू बी 0.00000 पांचटा जीरो 666 एंड सो ऑन राइट एंड एको जदि टिके सिंपलीफाई करके लिखा सिंपलीफाइड फॉर्म रे दिस इज 6.6 × 10⁻³⁶⁶ माने 10⁻⁶ एंड रेट रो यूनिट कौन यस मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स राइट सो दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन ओके सो आई होप क्लीयरली बुझा पड़ कि ए टाइप रो क्वेश्चन को केमती सॉल्व करा जाए जितेबले रिएक्टेंट रो इनिशियल कंसंट्रेशन दे थिबो फाइनल कंसंट्रेशन दे थिबो एंड टाइम टेकन केते सेट अवे दे थिबो ओके सो मूव टू क्वेश्चन नेक्स्ट ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने कौन कहा है जी कि फॉर ए रिएक्शन इट्स रेट लॉ इज गिवन बाय रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू ए रो पावर हाफ एंड बी टू द पावर हाफ देन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन राइट ओके तो जस्ट टिके आगु ही मु कहली कि रेट लॉ रो ही वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय टिके आगु जस्ट कहली कि सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स माने रेट लॉ रे ए रिएक्टेंट्स रो कंसंट्रेशन रो
पावर जी थी तार सम मैंने एड करदे मिसेदे जहाँ बाहर दैट इज द ऑर्डर दैट मीनस ऑर्डर इज इक्वल टू यार पावर ए रो पावर दैट इज हाफ प्लस बी रो पावर दैट इज इक्वल टू वन सो ए रिएक्शन न ऑर्डर कम्स आउट टू बी वन दैट मीन्स दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इटी इम्पोर्टेंट कथा हूँ कौन ए रिएक्शन ऑर्डर केसला ऑर्डर आम के पाइले वन दैट इज गोटे होल नंबर आसला तो ऑर्डर टा ये कौन आसला होल नंबर किंतु सब बेले जे ऑर्डर टा होल नंबर ही आसीबो तार किछि माने नाही ऑर्डर फ्रैक्शन भी आसी पारे लाइक 1.5 2.5 बा 3/2 ए भलिया भी आसी पारे ऑर्डर गोटे रिएक्शन पई 0 भी आसी पारे गोटे रिएक्शन पई ऑर्डर नेगेटिव मध्ये आसी पारे -1 -2 ए भलिया भी आसी पारे तो जति ऑर्डर गोटे केस रे फ्रैक्शन बा 0 बा नेगेटिव आसी तो सेई थरे किछि मंदु करिवार नाही किछि चिंता करिवार नाही बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन नेगेटिव हे पारे 0 भी हे पारे फ्रैक्शन भी हे पारे राइट ओके तो आई होप एटा मध्यम बुझा पड़ती हो कि हाउ टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन ओके तो मूव टू नेक्स्ट ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने कौन कहा है जी कि द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज गिवन बाय दिस रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट के इनटू ए र पावर हाफ एंड बी र पावर 3/2 देन द यूनिट ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट के इज तो पचरा है जी कौन ए रिएक्शन पाई ए जो रेट कांस्टेंट के रहिला तार यूनिट कौन ठीक ओके तो या विषय रे टिके मु गोटे बेसिक आइडिया दे दोची इनफॉरमेशन दे दोची कि जो रेट कांस्टेंट थाए तार यूनिट इज नॉट फिक्स्ड सी इंपोर्टेंट इट हैज अ यूनिट रेट कांस्टेंट हैज अ यूनिट यार यूनिट थाए बट तार यूनिट फिक्स्ड न हो यार द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वेरीज फ्रॉम ऑर्डर टू ऑर्डर माने इट्स यूनिट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन अर्थात फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन तार रेट कांस्टेंट रा यूनिट अलगा गोटे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पई तार रेट कांस्टेंट रा यूनिट अलगा गोटे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रो रेट कांस्टेंट रा यूनिट इज डिफरेंट के रो यूनिट इज डिफरेंट तो बेसिकली एठे मु गोटे जनरल ट्रिक कहूँ या को यूज करके वी कैन सॉल्व इन काइंड ऑफ सच प्रॉब्लम्स सी फॉर ए एनथ ऑर्डर रिएक्शन इफ वी हैव ए रिएक्शन ऑफ एनथ ऑर्डर देन इट्स यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय गोटे एनथ ऑर्डर रिएक्शन पई तार रेट कांस्टेंट रो यूनिट इज गिवन बाय मोल र पावर 1 - n लीटर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स ठीक मोल 1 - n लीटर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स राइट तो बेसिकली ताहले एठी कौन कहुची के रो यूनिट तो के रो यूनिट पाई कि आमको यार ऑर्डर जानवा दरकार एंड टिके आगुरी जस्ट कहली रेट लॉ रो ऑर्डर केमती बाहर करा जाए ऑर्डर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर्स दैट इज हाफ प्लस बी रो पावर 3/2 यदि ऐड कर दोजे दिस कम्स आउट टू बी 4/2 दैट इज 2 दैट मीन्स यार ऑर्डर 2 आसीबार अर्थ दिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड टिके आगु जस्ट कहली कि एनथ ऑर्डर पई द रेट कांस्टेंट रो यूनिट इज गिवन बाय दिस एंड गोटे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पई तार रेट कांस्टेंट रो यूनिट कोन आसीबो जदि एन जगह आम 2 रखुचे देन इट कम्स आउट टू बी मोल 1 - 2 माने -1 लीटर एन -1 माने 2 - 1 लीटर 1 एंड सेकेंड इनवर्स सो बेसिकली यार जो रेट कांस्टेंट आसला यार यूनिट कौन आसो मोल इनवर्स लीटर एंड सेकेंड इनवर्स ठीक तो आई होप दिस इज क्लियर ओके सो मूव टू नेक्स्ट ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने कौन कहा दुटा रिएक्शन पाई तार रेट कांस्टेंट रो वैल्यूज दिया है गोटे पाई हो जी 2.3 × 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एंड आ गोटे रिएक्शन पाई तार रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स तो हमको कौन पचरा है ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शंस माने ए रिएक्शन रो ऑर्डर केते
एंड ए रिएक्शन ऑर्डर के थे राइट अच्छा इटे गोटे डाउट आसी पारे कि अच्छा ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एटा तो गोटे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू आम घरे बस कि मैंने एग्जाम हॉल रे बस कि आपको कमी कहवा ना ये जिनस कौन रेट कन्स्टाट यूनिट देखिकी वी हाव टू प्रेडिक्ट द ऑर्डर दिस इज इंपोर्टेंट ये तुम भाव मैथमेटिकल वैल्यूज अच्छी या कोई गुड़ाए कैलकुलेशन करवाक पड़ो ना दिस इज रॉन्ग इटि यूनिट देखिकी मैंने रेट कन्स्टाट यूनिट देखिकी वी हाव टू प्रेडिक्ट द ऑर्डर केमती प्रेडिक्ट करा जाए लेट्स सी ओके तो जस्ट टिके आगु कहली फॉर ए एनिथ ऑर्डर रिएक्शन एनी ऑर्डर रिएक्शन तार रेट कन्स्टाट यूनिट इज गिवेन बाय मोल 1 minus n liter n minus 1 second inverse right तो question number 1 को जो देखिवा ए rate constant रो unit अच्छी mole किछे नाही माने mole रो power 1 mole 1 liter minus 1 second inverse right तो एबे नीचे भावी करी कहो कि एठी n जगह केते value put कले n जगह केते put कले we will be getting this value ओके तो पॉज करके ट्राई कर पार सो आई थिंक एन जगह जदि मुझे जीरो पुट कर दूची देन विल बी गेटिंग दिस वैल्यू केमती वन माइनस एन माने वन माइनस जीरो दैट इज वन जीरो माइनस वन माइनस वन एंड सेकेंड इनवर्स सो बेसिकली एन जगह इफ यू आर पुटिंग जीरो ताहले हमको ए वैल्यूटा मिले ना दैट मीनस तो एन रैल्यू आसूसी जीरो दैट मीनस ऑर्डर यार के जीरो दैट मीनस दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली ओके तो क्वेश्चन नंबर टू यार रेट कन्स्टाट अच्छी थ्री इंटु टेन टू तो पार फोर तास तो आमर किसी करार ना यूनिट इज सेकेंड इनवर्स अच्छा ये तो मोल लिटर किसी देखा जाऊनि अर्थात ये मोल एंड लिटर एम दे आर मिसिंग अच्छा ये जो सेकेंड इनवर्स रहा या को एमती लिखी हम कि मोल जीरो लिटर रो भी पावर जीरो एंड सेकेंड इनवर्स एमती लिखी हम एक्जाक्टली लिखी हम एमती अच्छा तो ये निजे कह एन जगह केते पुट कले बिकज दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट तो ये निजे भावकि कह एन जगह केते पुट कले विल बी गेटिंग दिस वैल्यू आई थिंक इट इज वन कहीं एन जगह जदि मु वन पुट कर दूची वन माइनस वन विल बी जीरो एठी भी वन पुट कर देले वन माइनस वन विल बी जीरो एंड दिस इज सेकेंड इनवर्स सो बेसिकली एन रो वैल्यू केते वन दैट मीन्स दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एटा गोटे कौन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओके तो आई होप एटा मध्य बुझी थो कि यूनिट देखिए ऑर्डर को केमती प्रेडिक्ट करा जाए ओके तो मूव टू नेक्स्ट ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन ऊपर देखी पार थो वीडियो को पॉज करके यू कैन रीड आउट द क्वेश्चन ओके तो ये दिखाई कौन कि द कन्वर्जन फ्रॉम एक्स टू वाई फॉलोज अ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स ओके तो बेसिकली ये कहुई कौन मुझे क्लारीफाई करदे कि तो बेसिकली ये कहुई कि देर इज अ रिएक्शन x converts into y माने x टा होची कोन कैपिटल x दैट इज द रिएक्टेंट व्हिच कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोडक्ट y एंड डाटा गिवन अछि कोन कि ए जो रिएक्शन रहला दिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन माने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2 माने इट फॉलोज अ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स देन कोहाइ छि कोन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इज डबल्ड जदि x रो कंसंट्रेशन को डबल करै दिया जाए माने आमे x को जति के कंसंट्रेशन नै के रिएक्ट करू जे जदि तार डबल कंसंट्रेशन लिया जाए देन हाउ विल द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बी चेंज्ड ओके सो लेट्स सी या को सॉल्व केमति करा जाए ओके तो बेसिकली इट इज सेकंड ऑर्डर अर्थ हो जे कोन आमे जदि ए रिएक्शन पई का रेट लॉ लिखिबा देन ए जो एक्स रहला यार पावर विल बी 2 राइट बिकॉज ऑर्डर अर्थात तो से पावर ना दैट मीन्स ए रिएक्शन पई इफ यू राइट द रेट लॉ देन रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन दैट इज एक्स रो पावर केते 2 जोटा को हमें एक्स स्मॉल एक्स बोली कहउतले से पावर टा एथि केते 2 राइट बिकॉज दिस इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अर्थात एक्स रो पावर केते 2 अच्छा सो बेसिकली दिस इज व्हाट दिस इज द ओरिजिनल रेट ऑफ द रिएक्शन दिस इज द ओरिजिनल रेट ऑफ द रिएक्शन राइट नाउ याको भी कौन करवा याको गोटे डबा भीतर बंद कर देवा राइट right?
ओके तो कहुच कौन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज डबल्ड अर्थात एक्स रो कंसंट्रेशन जोटा कि एक्स थिला एक्स थिला एक्स रो कंसंट्रेशन को डबलिंग करा ही गला माने एक्स रो कंसंट्रेशन बिकम्स 2x देन जो एक्स रो कंसंट्रेशन को 2x करेला परे जो नोआ रेट आसीबो ऑबवियसली कंसंट्रेशन चेंज करेले रेट भी चेंज हबो तो से जो नोआ रेट आसीबो सेटा ओरिजिनल रेट रिस्पेक्ट रे केते टाइम्स राइट ओके तो कंसंट्रेशन डबल करेला परे जो नोआ रेट आसीबो रेट ऑफ रिएक्शन लेट दैट बी रेट प्राइम से जो नोआ रेट आसीबो लेट इट बी रेट डैश और रेट प्राइम जहां कोई पर तो रेट डैश विल बी गिवन बाय रेट कांस्टेंट के इनटू एक्स रो कंसंट्रेशन जोटा एक्स थिला सेटा को हमें 2x कर देजे सो दैट इज 2x रो अगेन स्क्वायर राइट तो आकु जदि टिके हमें सिंपलीफाई कर दोबा दिस इज रेट डैश इज इक्वल टू अच्छा 2 रो स्क्वायर इट हैज जीरो 4 राइट तो ए 4 टाकु जदि हमें टिके बाहर को काटनाबा देन इट विल बी 4 इनटू के इनटू 2 टाकु तो स्क्वायरिंग करके बाहर को नहीं गले तो ब्रैकेट भीतर रह गला x रो कंसंट्रेशन रो स्क्वायर ठीक तो बेसिकली दिस इज व्हाट दिस इज योर द न्यू रेट माने कंसंट्रेशन को डबलिंग कर लेला परे जो नोआ रेट आसला नाउ इंपोर्टेंट कथा हो जी कोन अच्छा टिके इठे नोटिस करो व्हाट इज दिस k into x रो स्क्वायर व्हाट इज दिस दिस इज द ओरिजिनल रेट दिस इज द ओरिजिनल रेट अर्थात या जगह रे आमे ओरिजिनल रेट पुट करी परबा यस तो जदि पुट कर दो जे देन दिस इक्वेशन बिकम्स रेट डैश इज इक्वल टू 4 इनटू दिस इज व्हाट ओरिजिनल रेट दिस इज व्हाट ओरिजिनल रेट सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन दैट मींस द न्यू रेट इज 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेट अर्थात अर्थ या कि x रो कंसंट्रेशन को डबल करेला परे द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स और इट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स राइट तो आई होप एटा मध्य क्लियरली बुझी हेतबो सो मूव टू क्वेश्चन नेक्स्ट ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य स्क्रीन रे देखि परथबो पॉज करके यू कैन ट्राई इट आउट ओके तो कोहाइ छि बेसिकली कोन ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए and I'm extremely sorry second order with respect to b and jodi a ro concentration ko double kare diya jaye and b ro concentration ko triple kare diya jaye then how will the new rate change right to basically kuhai chi kono mudi clarify kare dewa chahun chi to gote reaction achi jo thiki there are two reactants mane a and b these are the reactants से मैंने मिसी की दे आर गिविंग सम प्रोडक्ट पी राइट तो कहुच कौन दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी अर्थात अर्थ या कि आपाई जदि रेट लो लिखा जाए देन ए रो पावर आसीबो 1 एंड बी रो पावर केते आसीबो 2 राइट तो ए डाटा को यूज करके हम जदि आपाई रेट लो लिखिबा देन दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू ए रो पावर 1 बिकॉज़ इट इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू 1 माने ए रो पावर 1 एंड बी रो पावर केते आसीबो 2 माने सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी राइट सो दिस इज द ओरिजिनल रेट दिस इज द ओरिजिनल रेट तो कहुई छि कोन इफ ए रो कंसंट्रेशन को डबल करा हे गला माने ए रो कंसंट्रेशन जोटा कि ए अछि जदि याकु 2a कर दिया जाए एंड इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड ट्रिपल्ड माने इज मेड 3 टाइम्स माने बी को जदि 3b कर दिया जाए देन कंसंट्रेशन दुई जणकर चेंज करैला पोरे जो नोआ रेट आसीबो सेटा केते माने ओरिजिनल रेट कंपैरिजन ने सेटा केते टाइम्स राइट तो हमें ट्राई करके देखिबा सो कंसंट्रेशन ए को 2a एंड बी को 3b करेला परे जो नोआ रेट आसीबो लेट दैट बी योर रेट प्राइम और रेट डैश दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू ए को केते करा है गला 2a सो ए जगह रे 2a रो पावर 1 एंड बी को केते करा है गला 3 टाइम्स त माने 3b रो स्क्वायर राइट
तो याकु जदि हम टिके सॉल्व करबा देन रेट डैश माने जो न्यू रेट इट कम्स आउट टू बी 2 रो पावर 1 माने 2 टा को बाहर को नहीं आसीबा इनटू 3 रो स्क्वायर 9 ए 9 को भी बाहर को नहीं आसीबा 9 तापर बाकी जा रहला ताको लिखिनबा दैट इज के इनटू ए रो पावर 1 3 को भी बाहर को नहीं जाइछे सो व्हाट इज लेफ्ट बोलला कोन दैट इज बी रो स्क्वायर राइट तो 2 इनटू 9 यदि मल्टीप्लाई कर देबा दैट इज 18 देन न्यू रेट रेट डैश इज इक्वल टू 18 इनटू के इनटू ए रो पावर 1 एंड बी रो पावर व्हाट 2 नाउ जिंसो उचि कोन एठी अच्छा व्हाट इज दिस ए जो जिंसोटा आसीला कोन की के ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2 एटा कोन की This is the original rate of the reaction K A1 B2. This is the original rate. Or that, या जगह रे अमे original rate बोली लिखी परिवा because this value, ए जो value डर रहेला, इटा original rate सोई तो समन्ना. तो ज्योति अमे value put कर दबा, इटी rate रो, then this is rate dash is equal to 18 into this is the original rate. 18 into original rate. And that means concentration को empty change करेला पोरे the rate becomes new rate becomes 18 times of the original rate or empty कोई परिवो the rate of reaction increases by 18 times right okay and आउटे कथा मुँ कह रहा हूँ जी बाधियों नहीं कि सब वाले एमडी होल नंबर रे ही वैल्यू दिया है तो वो एमडी भी ही परे सपोज देर इज अ रिएक्शन ए टू बी empty ko hai pare suppose this is a second order reaction mane rate law likhle this is rate is equal to rate constant k into a ro power 2 empty bhi ko hai pare jadi a ro concentration ko 1 by 5 times kare diya jaye then rate kemti change hobo to semti put kariba a ro concentration ko kete kare diya gala 1.5 times mane 1.5 times of a तो यदि पुट करबा न्यू रेट केते आसीबो दैट इज इक्वल टू के इनटू यार कंसंट्रेशन दैट इज 1.5 ए रो स्क्वायर याको यदि स्क्वेयरिंग कर दो जे दिस 1.5 रो स्क्वायर माने 2.25 बाहर को यदि नि आसे के इनटू ए रो स्क्वायर दिस इज व्हाट दिस इज द ओरिजिनल रेट अर्थात द न्यू रेट जोटा आसेला दिस इज इक्वल टू 2.25 times of the original rate, right? अच्छा, empty भी कुआ ही परे. What happens if air concentration is halved? तो same करेगा ये थी. मने air concentration के तहीं जो half a. तो similarly, हमें a बदलने half a put कर दबा. तो value जहाँ से वो we can calculate. Okay. तो आई थिंक एटा मध्ये क्लियरली बुझी हेतु वो. Okay. So move to next and आजी पाई last question. ओके तो लास्ट क्वेश्चन ने कौन कहा है जी कि फॉर द रिएक्शन गोटे इक्वेशन दिया है जी कि 2NH3 डीकंपोजेस एडा एक्चुअली डीकंपोज हुए हीट कले डीकंपोजेस इनटू N2 एंड 3H2 एंड कहा है जी कौन ए रिएक्शन पाई रेट इज इक्वल टू के रेट इज इक्वल टू के देन ए रिएक्शन रो ऑर्डर केते एंड मॉलिक्युलरिटी केते वी हैव टू फाइंड आउट ओके तो बेसिकली मोले ऑर्डर टा तो ठीक है परे बाहर करिवा अच्छा मॉलिक्युलरिटी टा इजीली बाहर जीवो अच्छा व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी मॉलिक्युलरिटी अर्थात होची केतेटा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भितरे कोलिजन हेकरी द रिएक्शन टेक्स प्लेस दैट मींस इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज व्हिच कोलाइड साइमल्टेनियसली माने केतेटा मॉलिक्यूल्स भितरे कोलिजन हवा द्वारा रिएक्शन प्रोसीड करची तो एठी क्लियरली देखि परथबो टू अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्वड दैट मींस दुईटा अमोनिया मॉलिक्यूल भितरे कोलिजन हबा द्वारा रिएक्शन प्रोसीड करूची तो ऑब्वियसली मॉलिक्युलरिटी केते हितबो 2 ठीक सो दिस इज मॉलिक्युलरिटी 2 दैट मींस दिस इज अ बायमॉलिक्युलर रिएक्शन राइट एबे क्वेश्चन होची ऑर्डर केते दिस इज इंटरेस्टिंग इंपोर्टेंट कथा टिके केयरफुली नोटिस करो सी अच्छा ए बैलेंस्ड इक्वेशन को देखि गरी सी इट इज बैलेंस्ड यदि बैलेंस न होई थांता हमें बैलेंस मध्ये करथांदे ओके ए इक्वेशन देखि गरी हमें यदि रेट लॉ लिखिबा रेट लॉ केमदि लिखिबा पई रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के
इनटू रिएक्टेंट माने NH3 रो कंसंट्रेशन रो पावर केते 2 नो NH3 रो पावर x NH3 रो पावर x एबे x टा केते हबो दैट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ठीक तो केयरफुली नोटिस करो ठीक ए जो इक्वेशन टा आमे कोठो पाइले This is from the balanced equation. Balanced equation कोची कि rate is equal to rate constant into reactant माने NH3 रो concentration रो power केते x x केते that is to be determined. Okay. किंतु इटा अमे determine कले equation दिखेगी किंतु ए reaction पाइ actual rate लो केते इटा दिया है जी experimental value दिया है जी अच्छा तो एक्सपेरिमेंटली कौन दिया है जी रेट इज इक्वल टू के अच्छा एटा को मु एमते लिखि परबी के इनटू 1 बोली ऑब्वियसली लिखि हबो अच्छा हमें इक्वेशन देखि के रेट लॉ पाइले एटा क्वेश्चन ने रेट लॉ दिया है जी एटा नाउ ए दुटा को जदी हमें कंपेयर करबा टिके नोटिस करो ए एक्स जगह रे हमें केते पुट करबा सो दैट ए टर्म टा पूरा गायब है कि एठी 1 आसीबो ठीक अगेन आई एम रिपीटिंग इक्वेशन रो हमें प्रेडिक्ट करू छे रेट इज इक्वल टू के इनटू NH3 रो पावर x किंतु एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू दिया है जे रेट इज इक्वल टू के माने के इनटू 1 त माने खाली ए जो NH3 रो पावर x या बदल ले अच्छी केते 1 तो एबे नीचे भाभी गिरी को हो ए एक्स अगर हमें केते पुट करेवा सच दैट ए टर्म टा पूरा गायब है कि आज अगर 1 आसी हो केते ऑब्वियसली 0 बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1 ता अर्थात एटी एक्स जगह रे जदी 0 पुट करू जे विल बी गेटिंग ए एनएस3 रो पावर 0 दैट बिकम्स 1 दैट मींस एठी जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन माने एक्स रो वैल्यू दैट इज 0 दैट मींस ए रिएक्शन नो ऑर्डर केते 0 अर्थात दिस इज ए 0 ऑर्डर रिएक्शन राइट ओके तो आई होप जति की प्रॉब्लम्स हमें आज डिस्कस करले एगुडा क्लियरली बुझी हितबो ओके तो आउ किछटा प्रॉब्लम हमें नेक्स्ट लेक्चर रे डिस्कस करबा तो आज ही पई एति की थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे